तो ये वीडियो है थोड़ी सी लंबी, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है देखने में, इस वजह से इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक न्यूज़ भी शेयर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चैनल के बारे में, मतलब क्विज के बारे में है एग्जैक्टली, तो आप वो ज़रूर देखिएगा लास्ट पार्ट। और मैंने जो CBSE का दिया है प्रेफरेंस का, मतलब बताया कि कैसे कैसे आप प्रेफरेंस भर सकते हैं, उसमें मैंने CGST डायरेक्टोरेट और कस्टम्स को भी कोट किया है, उसके बारे में भी बताया है, वो भी लास्ट में है, तो जरूर देखिएगा, आप स्पीड बढ़ाकर आराम से देख सकते हैं। ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो 2018 बैच से सेलेक्ट हुए हैं CBSE डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में। तो अगर आपके डिपार्टमेंट से भी प्रेफरेंस भेजी जाती है, यानी कि स्टेट और सिटी चूज करने को दिया जाता है, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एग्जैक्टली आपको प्रेफरेंस भरना चाहिए, कैसे आपको सिटी चूज करनी चाहिए, कैसे आपको स्टेट चूज करना चाहिए। खास बात मैं यहां पे करूंगी CBSE डिपार्टमेंट की, क्योंकि मैं खुद CBSE डिपार्टमेंट में काम करती हूं, मुझे उसके बारे में जानकारी है। और दूसरी चीज कि CBSE डिपार्टमेंट का ही अभी जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आया हुआ है, तो उनके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगी। फिर भी मैं मोटा मोटा आइडिया आप सब लोगों को दे दूंगी कि एग्जैक्टली कैसे आपको चूज करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात होती है प्रेफरेंस भरते समय, वो ये होती है कि आपको अपना रैंक ध्यान रखना है कि आपका क्या रैंक है, और दूसरी चीज कि जहां आप चाहते हैं वहां पे कितनी सीट्स हैं। ओके, तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं रैंक की बात करूं, तो बहुत सारे लोगों को पता है कि जब रिजल्ट होता है, रिलीज होता है, तो उसके साथ आपको एक रैंक मिलती है जो ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंक होती है। यानी कि आप अगर सी में पास हुए तो सी में, ग्रेड सी में आपकी ऑल ओवर इंडिया क्या रैंक है, और अगर आप ग्रेड डी में पास हुए तो ग्रेड डी में ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या रैंक है, ये SSC खुद जारी करती है। तो वो तो आपको SSC के वेबसाइट से मिल जाएगा, या जब भी आपने डाउनलोड किया होगा अपना रिजल्ट तो ही आपको पता चल गया होगा। लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, आपका जो रैंक है वो आपको अपने डिपार्टमेंट में भी पता होना चाहिए कि आपका अपने डिपार्टमेंट में कौन सा रैंक है, और दूसरी चीज डिपार्टमेंट में भी आपका, आपकी कैटेगरी में कौन सा रैंक है। यानी कि अगर आप जनरल हैं, तो सबसे पहले अगर आप CBSE में सेलेक्ट हुए तो CBSE में आपकी कौन सी रैंक है, और दूसरी चीज अगर आप जनरल हैं यानी कि UR कैटेगरी में हैं, तो UR में आपकी कौन सी रैंक है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि UR में कितनी कितनी सीट्स किस किस जगह पर हैं, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आप लोग पूछोगे कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि CBSE में मेरी कौन सी रैंक है और मेरी कैटेगरी में कौन सी रैंक है, तो इसका PDF जो है वो बहुत सारे लोग अलग अलग बनाते हैं, तो मेरे पास भी कुछ PDFs हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग बहुत बार पूछते हो कि कैसे ज्वाइन करें, तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएंगे मेरा टेलीग्राम का लिंक, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDFs मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि एग्जैक्टली आपका क्या रैंक है। ये हो गई सबसे पहली बात जब आप प्रेफरेंस फॉर्म भरने जा रहे हो। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे सिटी और स्टेट का प्रेफरेंस देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बात हो गई कि आप तो पहले, सबसे पहले वही प्रेफरेंस दोगे जहां पे आप रहते हो, यानी कि जिस स्टेट में आप रह रहे हो उसके आसपास जो भी सिटी होगी, या उसी स्टेट में कोई सिटी होगी, या पास के स्टेट में जो भी सिटी होगी उसका प्रेफरेंस आपको पहले देना है। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए मैं यूपी में हूं, और यूपी में मेरे सबसे नजदीक क्या पड़ेगा, लखनऊ। मुझे लखनऊ का प्रेफरेंस, मतलब मेरा मन है कि मैं वहां पे रहूं, पर वहां की जो UR की सीट है वो 2 ही है और मेरी जो रैंक है वो 10 है, तो क्या मुझे लखनऊ का प्रेफरेंस भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आपको लखनऊ का प्रेफरेंस भरना चाहिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता है कि हो सकता है आपसे आगे कुछ भी हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है आपके आगे जो 9 लोग हैं या जो 8 लोग हैं वो उन्होंने जॉब ही नहीं ज्वाइन की,
उनको जॉब ज्वाइन ही नहीं करना है, या फिर आपसे आगे जो 8 लोग हैं वो आपके स्टेट से है ही नहीं, मतलब वो अलग अलग स्टेट से हैं और वो अलग अलग, उनका प्रेफरेंस तो अलग रहेगा ना, पहले वो तो अपना अपनी जगह का पहले भरेंगे और मे बी आपको उन 2 सीट्स में से वो आपको अपनी वाली सीट मिल जाए। तो हमेशा अपने आस पास की जो भी जगह है, मतलब आपके स्टेट की जो जगह है, उसका प्रेफरेंस आपको पक्का से भरना चाहिए। आपको नहीं पता है कि आपको वही मिल जाए या ना मिले, ठीक है? तो आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे हो। आप ये मत सोचिए कि आपका जो रैंक है कैटेगरी में और डिपार्टमेंट में वो 10 है और यहाँ पे सीट्स 2 हैं तो मेरा तो होगा नहीं, तो मैं नहीं भरती हूँ या नहीं भरता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपका रैंक कुछ भी है आपके स्टेट में या फिर आपके आसपास के स्टेट में, जो सबसे पहली जगह है उसी का प्रेफरेंस आपको भरना चाहिए ताकि आपको नजदीक से नजदीक पोस्टिंग मिल सके। अच्छा, और ये भी बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बताया कि आप पास का भरिए, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते ही हैं कि मैं दूर रहूं, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। हो सकता है कोई भी वजह हो सकती है, आपको वो जगह नहीं पसंद है, मतलब ओवरऑल कुछ भी वजह हो सकती है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। अगर आप वो सिटी चाहते हैं तो आप उसमें भरिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो आपके चाहने पे है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर ये सोच के मत भरिएगा कि इसमें तो 2-3 ही सीट है, मेरी रैंक 15 है तो मैं नहीं भरता हूं, ऐसा मत कीजिएगा। वो आप भर दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। सेकेंड थिंग, एक तो हो गया कि पास हो, अगर आपको सिटी चाहिए कि आपके आसपास हो तो सारे आसपास की सिटी का आप पहले भर दीजिए। दूसरी चीज, डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों को ये चाहिए होता है कि जैसे मान लीजिए लखनऊ है और बैंगलोर है, तो लखनऊ थोड़ा बैंगलोर से कम डेवलप्ड है, तो बहुत सारे लोगों की ये चॉइस होगी कि वो ऐसी सिटी में रहें या ऐसी सिटी में सेटल हो जो ज्यादा डेवलप्ड हो। ये भी लोगों का प्रेफरेंस हो सकता है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस ढूंढनी है कि आपका क्या प्रेफरेंस है। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं, मैं अपने घर के पास रहूं या छोटी सिटी में या कम में मेरा काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, तो आप ऑब्वियसली लखनऊ चुनोगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरी लाइफ आगे कहाँ ग्रो होनी है, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, और आपको लगता है कि किसी डेवलप्ड एरिया में मुझे रहना है या फिर मुझे वहां पे सेटल होना है, तो उस हिसाब से अपना सिटी चूज कीजिए। और ये जो मैंने पहले बताया यही बात फिर से लागू होती है कि भले ही आपका कुछ रैंक हो और वहां पे उतनी सीट्स नहीं हो, फिर भी आप भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आगे वाले वो सिटी का प्रेफरेंस ना भरे और आपका ही नंबर आ जाए उस सिटी पे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि रिलेटिव्स देखना। कि अगर मान लीजिए कि आप बिहार से हो और आपके पटना में ज्यादा सीट्स नहीं है, मतलब सीट ही नहीं है, आपकी सीट ही नहीं है, तो अब आपको दूसरा ही कोई स्टेट चुनना पड़ेगा। अब पहली तो बात होगी पास से देखकर कि अगर आपको घर के आसपास लेना है तो आप कहीं भी ले सकते हो, आपके घर के आसपास यानी आपके स्टेट के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं उनकी सिटीज का प्रेफरेंस भर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को ये मतलब नहीं होता कि वो पास में रहें, उनको ये मैटर कर सकता है कि जिस स्टेट में वो जा रहे हैं, जिस सिटी में वो जाए, वहां पे उनके कुछ रिलेटिव्स वगैरह हो, यानी कि उनको ऐसा अकेलापन ना लगे। तो मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश से हैं और आपको राजस्थान का ऑप्शन है और कर्नाटका का ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि राजस्थान आपके भले ही करीब में है लेकिन राजस्थान में आप किसी को जानते नहीं है, बल्कि आप कर्नाटका में या बैंगलोर में आपकी फैमिली रहती है, रिलेटिव्स रहते हैं, बहुत सारे लोग आपके रहते हैं, तो फिर आप क्या कहाँ का फॉर्म भरोगे, मतलब फॉर्म में किसको प्रेफरेंस दोगे, कर्नाटका का, बैंगलोर का। समझ में आ रहा है? मतलब आपको ये सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं कि आपके रिलेटिव्स कहाँ पे रहते हैं या आपके घर से कौन सा पास पड़ता है, कि क्या आप नॉर्थ से साउथ में रह सकते हो या फिर आप साउथ से हो तो क्या आप नॉर्थ में एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो चीज आता है वो आता है महंगाई, जिसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब आपको जॉब मिलती है तो आप लोग क्या ढूंढते हो, जो एक्स सिटी हो उसमें मैं जॉब ले लूं क्योंकि उसमें जो है सैलरी ज्यादा होगी। यही लोगों का मतलब मन होता है कि एक्स सिटी में हो जाए, क्योंकि लोगों को भी दिखाना होता है कि एक्स सिटी में है मेरी ज्वाइनिंग, और वो भी समझेगा कि ओ मेरी जो सैलरी है वो इनसे काफी ज्यादा होगी। तो देखिए, इस भ्रम में मत रहिएगा, जितनी आपको सैलरी नहीं मिलेगी उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आपका वहां पे कोई रिलेटिव नहीं रहता है, आपको सब कुछ अपने दम पे करना है, सब कुछ आपको जुटाना है और अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, तो फिर आपका बहुत खर्चा हो जाएगा और आप फिर आपको
वो जो रॉब होता है ना दिखाने वाला, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही महंगाई को कंसिडर करिए। तो आप हमेशा ये देखिए क्या आप उतने पैसे में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, मतलब जितनी भी सैलरी आपकी बढ़ रही है क्या उससे आप महंगाई को बीट कर सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा रॉब जमाने के उसमें मत रहिए एटीट्यूड में, हमेशा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। लोग क्या कहते हैं कि आपका, अगर मान लीजिए जी सिटी में हो गया आपका और लोग कुछ कहते हैं तो उनको कहने दीजिए। लोग तो हमेशा ही कहेंगे आप एक्स सिटी में रहो या वाई सिटी में या जी सिटी में रहो, लोग हमेशा कहते रहेंगे। तो इन बातों में कभी भी मत आइए, आप देखिए कि आप क्या उस सिटी की महंगाई के हिसाब से अपना जो लाइफ है उसको अच्छे से गुजार सकते हैं। अगर हाँ तो ही आप उस सिटी में प्रेफरेंस भरिए, अदरवाइज आप वाई या जी सिटी में आराम से प्रेफरेंस भर सकते हैं। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है रास्ते, यानी कि आपकी जहां पे पोस्टिंग होने वाली है, यानी कि जो भी आप पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस देने वाले हो वो आपके घर से कितनी दूरी पर है, ये तो है ही, और दूसरी चीज वहां से आपका रास्ता कितना आसान है। मान लिया फिर से यही बात है कि आप राजस्थान के किसी सिटी से में पोस्ट हो जाते हो, राजस्थान के किसी सिटी में पोस्ट हो जाते हो और आपका जो घर है वो बिहार में है मान लीजिए, तो हो सकता है कि राजस्थान की जिस सिटी में आप पोस्टेड हो वहां से बिहार का रास्ता आपको काफी मुश्किल पड़ता हो। बल्कि अगर आप बैंगलोर सेटल्ड होते तो आपको बैंगलोर से बिहार जाने में आसानी होती। आप समझ पा रहे हो ना, ये आइडिया आपको मिल रहा है ना, कि मतलब आपको देखना है कि जो भी सिटी का आपको प्रेफरेंस दिया गया है, जिस भी सिटी में आपको सीट्स दी गई हैं कि यहाँ का ऑप्शन आप भर सकते हो, वहां से ये देखिए कि क्या आपके घर का रास्ता आसान है। क्योंकि अगर आपको बार बार घर आना पड़ेगा तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है अगर आपके घर का रास्ता आसान नहीं है तो। पता चला आपको 24 घंटे लग रहे अपने घर पर वापस आने के लिए, अपने घर से जाने के लिए, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऊपर से बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके घर से रास्ता कितना आसान या फिर कितना जटिल है, कितना मुश्किल है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए सबसे ज्यादा जो कंसर्न होती हैं वो लड़कियां होती हैं। अब लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे बहुत फेमस है कि दिल्ली में बहुत मतलब सेफ्टी नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। तो यस, बहुत सारे लोगों को लग सकता है, मैं पर्सन टू पर्सन बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यहाँ दिल्ली ज्यादा सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, तो वो वहां पे नहीं जाना चाहेंगे बल्कि वो वहां से कहीं और दूर चले जाएंगे। पर अगर दिल्ली पास में भी है तो भी वहां पे पोस्टिंग नहीं चाहेंगे, समझ रहे ना। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जैसे कि जहां पे आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी नजर आती है कि यहाँ पे अगर मैं रहूंगी या रहूंगा तो मुझे थोड़ा सा सेफ रहेगा बजाय मेरे पास वाली सिटी में। तो इस हिसाब से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपनी जो प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय इस एस्पेक्ट को भी आप चुनिएगा, देखिएगा कि आपको कहाँ लगता है कि ज्यादा सेफ है। और अगर आप लोग बैंगलोर को कंसिडर कर रहे हैं तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ, काफी सेफ है और लड़कियों के लिए काफी ज्यादा सेफ है। तो मतलब इंडिया को अगर देखा जाए तो बैंगलोर काफी सेफ है, तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो यू आर वेलकम। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो आपकी चॉइस पर है कि अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो या आपको इसी में सेटल हो जाना है, मतलब आपका क्या आगे का प्लान है, इस हिसाब से सिटी को चूज करना। तो बहुत सारे लोग दिल्ली चूज करते हैं ये सोच के कि वो तैयारी करेंगे। तो दिल्ली की मैं दो बातें आपको बता देती हूँ। एक तो ऑब्वियसली ये एस्पेक्ट है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप दिल्ली चूज करना चाहोगे, क्योंकि वहां पे पूरा तैयारी का हब है। आपको लगेगा कि नॉर्मली मैं जाके और खूब सारा पढ़ लूंगा, कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। सही बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड ही चीज यहाँ वहां पे ये भी है कि दिल्ली जैसे एक बड़ी सिटी है और सीबीआईसी एक टैक्स का डिपार्टमेंट है, तो जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ज्यादा आपको काम भी पड़ेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा ऑफिस में भी, और हो सकता है कि आपको थोड़े काम घर से भी करने पड़े। तो आप समझ रहे हो कि अगर आपने ये सोचा कि बहुत बड़ी सिटी में जाता हूँ वहां से अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा, तो ये आपका गलत थॉट हो सकता है। बजाय अगर आप छोटी सिटी मतलब को चूज करते, छोटी सिटी को चूज कर लेते, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कम काम पड़ता, आपको कम थकावट होती, ऑफिस टाइम को भी आप यूज कर सकते, और आपको कम थकावट होती तो ऑफिस के बाद भी आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। और अब बाकी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है तो आपको कहीं कोचिंग वगैरह बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है ज्वाइन करने की, तो आप आराम से आगे की तैयारी ले जा सकते हैं। तो आपको ये बहुत ही वाइजली चूज करना है कि आप कौन सी सिटी और किस वजह से चूज कर रहे हो। अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया कि दिल्ली चला जाऊंगा या बैंगलोर चला जाऊंगा या
कोटा में ले लेता हूँ तो मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कोचिंग्स है। तो आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिटीज में बहुत ज्यादा काम भी होता है। जितनी बड़ी सिटी होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी होगी और आपको टाइम कम मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो प्रेफरेंस है, अगर आपको सिर्फ सेटल होना है तो उस हिसाब से चूज कीजिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इस हिसाब से चूज कीजिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हेडक्वार्टर्स में, यानी कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और ऐसी जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे आपको ज्यादा ही काम करना पड़ेगा। और आपको अगर ज्यादा काम वाली जगह चूज करनी है, बहुत अच्छी बात है, हमेशा आपको फर्स्ट जो पोस्टिंग होनी चाहिए वो आपको ज्यादा काम वाली चूज करनी चाहिए। वो आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत इंप्रूवमेंट लाता है और आपकी आगे की लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप ऐसी मतलब चीजें चूज करो जहां पे आपका ज्यादा मतलब काम लगे, आपको ज्यादा चीजें सीखने का मौका मिले। लेकिन अगर आपको कुछ और भी करना है, कुछ आपका और भी प्लान है, कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं पहले से, कुछ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, या कुछ भी ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारी प्रेफरेंसेस होती हैं तो इस टाइप का है, तो आप आराम से चूज कीजिए। जितनी बड़ी सिटी, आई रिपीट, जितनी बड़ी सिटी, जितनी डेवलप्ड सिटी, वहां पे उतना ही ज्यादा काम पड़ेगा, क्योंकि सीबीआईसी एक टैक्स डिपार्टमेंट है और उतनी ही ज्यादा एरिया में उतना ही ज्यादा काम आएगा आपको। तो ये इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय। तो ये सारी बात होगी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली जो बात है वो मैं आपको ऑफिस के एनवायरमेंट के हिसाब से बताना चाहती हूँ कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके ऑफिस का जो एनवायरमेंट हो वो भी बहुत अच्छा हो। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यूपी से हैं और आपको तमिलनाडु में पोस्टिंग चाहिए, तो आप कैसे पता करोगे वहां का? तो वहां पे जो ऑफिस में अगर कोई हो आपका जान पहचान का हो, तो आप उसको उससे पूछ सकते हो कि कैसा एनवायरमेंट है वहां ऑफिस का, अगर वो सच में सारी चीजें बताते हैं तो। या फिर आप सिटी का भी एनवायरमेंट पूछ सकते हो कि अगर चेन्नई में आपको पोस्टिंग चाहिए तो आप वहां का पूछो कि कैसा है, क्या रहने खाने को है, कैसे रेंट पे कैसे हाउस मिलते हैं, या फिर क्या नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है या नहीं। अगर आप साउथ इंडिया से हो और आपको नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए या फिर आप प्रेफरेंस में भर रहे हो, तो आप वहां के बारे में भी वहां के लोगों से पूछ सकते हो कि क्या वहां पे आपके टाइप का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, रेंट कितना होगा आपका अगर आप रहना चाहते हो, और एनवायरमेंट कैसा है, बाजार कैसे हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें जो आपको मैटर करती हैं वो उस बारे में आप पता करो कि आपको उस सिटी में वो सारी चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बेसिकली रूल ये होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी सीट देखा और कोई भी मतलब अपना रैंक देखा और भर दिया कि अरे भैया इस बार जॉब जहां मिल जाए वहां सही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको एक बार तो जॉब मिल गई, अगली बार का कुछ पता नहीं होता कि अगली बार भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी मिल गई है तो ऐसा सोचिए कि अगर आपको इसी जॉब में सेटल होना पड़ा, अगर अनफॉर्चुनेटली आपका किसी और जॉब में नहीं हुआ, किसी और पोस्ट मतलब किसी और रिक्रूटमेंट में आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो फिर आपको वहीं पे रहना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको पोस्ट जो प्रेफरेंस है वो भरना है। और आपके पास बहुत अच्छा मौका है, मैं तो ये कहूंगी कि जो लोग सीबीडीटी सीबीआईसी में सेलेक्ट होते हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि उनको प्रेफरेंस फॉर्म देना पड़ता है, मतलब कि उनको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने से सिटी चूज करो और फिर आपके रैंक के हिसाब से हम आपको वो दे देंगे। तो बहुत ही वाइजली अपना जो सिटी प्रेफरेंस है, स्टेट प्रेफरेंस है, उसको चुनिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से। एक कॉपी और पेन लेकर एक पेपर पे लिख लीजिए कि आपके क्या प्रेफरेंस है, कि आप किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। जैसे कि मैंने बताया कि लड़कियों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अगर वो दिल्ली के एकदम पास भी रहते हैं तो मे बी वो ना जाना चाहें दिल्ली में कि नहीं भैया मुझे वहां नहीं जाना, मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है। दूसरी चीज कि आपको चाहिए कि मेरा रिलेटिव जहां पे ज्यादा हो वहां पे मेरी पोस्टिंग हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। तीसरी चीज भी आपको ऐसे कि मेरे घर से रास्ते आसान हो, मतलब पता चले कि 2 घंटे में मैं अपने घर पहुंच जा रहा हूं दूर से दूर, जैसे नॉर्थ से साउथ में मैं पहुंच जा रहा हूं, 2 घंटे में फ्लाइट का टिकट है, फ्लाइट है, और कहीं पता चला कि आपके बिल्कुल स्टेट के बिल्कुल पास में है लेकिन वहां आपको बस से पहुंचने में, ट्रेन से पहुंचने में 24 घंटे का समय लग रहा है। तो ये बातें ध्यान में रखिए कि रास्ते आसान हो, भले कितनी दूरी हो, कितने नजदीक हो। तीसरी चीज काम को लेकर कि मतलब काम कैसा है, आप ज्यादा काम करना चाहते हो, कम काम करना चाहते हो, तो आप जो सिटी चूज करोगे वहां पे कैसा काम हो सकता है। ये सारी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। जब हम लोग थे तो वैसे भी कोई बताने वाला नहीं था, पर आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे पास पूरी फैमिली थी यहाँ पे, तो मैंने यही का फॉर्म मतलब प्रेफरेंस दिया था तो मुझे ये मिल गया। लेकिन आपको मैं बताने के लिए हूँ कि छोटी छोटी चीजें आपको इस तरह से ध्यान में रखनी है और इस तरह से आपको भरना है।
अब आ गई है बात लास्ट की, जो सीबीआईसी में है उनको मिला होगा ऑप्शन सीजीएसटी डायरेक्टरेट और कस्टम चूज करने का। अब इसमें से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसमें बताइए कि बेस्ट क्या है। तो बेस्ट तो मेरे हिसाब से बेस्ट कुछ हो सकता है, आपके हिसाब से बेस्ट कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल आपको वैसा ही मतलब समझना है और बिल्कुल वैसा ही आपके लिए एकदम अच्छा होगा। मैं आपको एस्पेक्ट्स जैसे मैंने पहले बताया वही एस्पेक्ट्स मैं बाद में बता रही हूँ, आपका चॉइस है कि आप क्या चूज करते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी जीएसटी की। तो जीएसटी का आप ये ध्यान रखिए कि मेरे हिसाब से जो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी होनी चाहिए, जो फर्स्ट पोस्टिंग आपको लेनी चाहिए वो सीजीएसटी में ही लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल फर्म होके ये कह रही हूँ, मेरे हिसाब से आपको सीजीएसटी में ही पोस्टिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका सीजीएसटी में पोस्टिंग होता है तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब अनगिनत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, काम ज्यादा होगा, लेकिन उससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप फर्स्ट पोस्टिंग जीएसटी चूज करते हैं तो। और खासकर स्टेनोग्राफर के लिए अच्छा है कि आप अगर सीजीएसटी चूज करते हैं और मान लीजिए आपको असिस्ट करने को दे दिया गया बॉस तो भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे। और अगर आपको सेक्शन मिल गया तो भी बहुत अच्छा है कि आप जीएसटी की बहुत सारी चीजें सीखोगे जो कि आपको कस्टम और डायरेक्टरेट में सीखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से सीजीएसटी फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, सीजीएसटी में आपको काम ज्यादा पड़ सकता है, तो अगर आपको चाहिए कि काम ज्यादा ना करना पड़े, अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है या फिर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ऐसा सोचते हो तो फिर आप दूसरी चीजें चूज कर सकते हो। पर अगर आपको काम करने की जो इच्छा है वो ज्यादा है, आप चाहते हो कि यस मैं काम ज्यादा सीखूं, मैं अपनी पर्सनैलिटी को बूस्टअप करूं, तो आप सीजीएसटी चूज करो। फिर से सीजीएसटी चूज करने के लिए ये भी है कि सीजीएसटी में सीट्स ज्यादा होती हैं और ज्यादा सिटीज में होती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते तो डायरेक्टरेट हैं लेकिन आपके आसपास जो सिटीज हैं अवेलेबल वो सीजीएसटी में हैं, तो फिर से आपको वही दिमाग लगाना है कि आपको क्या मैटर करता है। अपने घर के आसपास रहना चाहते हैं आप तो फिर अगर आप नहीं भी चाहते तो भी सीजीएसटी चूज कीजिए। मतलब अगर आपके घर के सबसे आप बंगाल में हैं मान लीजिए और कोलकाता में सीजीएसटी की सीट नहीं है लेकिन कस्टम की सीट है या फिर डायरेक्टरेट की सीट है, तो आपको डायरेक्टरेट या फिर कस्टम में से ही चूज करना चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि आज आप चले जाएंगे 2 साल बाद वापस आ जाएंगे। सीबीआईसी में आईसीटी नहीं है इस समय, आपका ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत 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 कम है। इस वजह से ये सोच के जाइए कि आप जहां जा रहे हैं वहीं पे आपको गुजारना पड़ सकता है आपकी पूरी जिंदगी, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टम्स की। तो कस्टम्स में मैं काम बता देती हूँ सीजीएसटी में। देखिए मैं पहले सीजीएसटी का काम बताती हूँ कि क्या होता है सीजीएसटी में। ऑब्वियसली जीएसटी का कुछ काम होता है, अगर आप सेक्शंस में पोस्टेड हो तो फिर आपको जीएसटी के काम करने पड़ेंगे या फिर ऑफिस के जो सेक्शंस होते हैं उनके काम करने पड़ेंगे। ये डेस्क जॉब होती है, स्टेनोग्राफर को बहुत ही कम होता है कि वो किसी रेड पे लेके जाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, वो अधिकतर ऑफिस में ही आपको काम करने को मिलेगा और काम का भी टाइम होता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि आपको घर से भी काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी रेयरली होता है। मार्च में यहाँ पे ज्यादा काम होता है, आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है क्योंकि टैक्स के किसी भी डिपार्टमेंट में मार्च में आपको पता है मतलब फाइनेंशियल जो भी डिपार्टमेंट है वो उनमें मार्च में ज्यादा काम पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस समय। सेकेंड चीज है, अगर मैं कस्टम की बात करूं तो कस्टम्स में हमेशा ये मत सोचिएगा कि कस्टम में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो आपको सीधे पोर्ट पे पोस्टिंग मिलेगी या फिर एयरपोर्ट पे पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको सिटी कस्टम में भी पोस्टिंग मिल सकती है। अगर बहुत लोग नहीं जानते तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एक पोस्टिंग होती है सिटी कस्टम, ज्यादातर वही होती है स्टेनोज की, क्योंकि जो नए स्टेनो आते हैं उनको सिटी में ज्यादा पोस्ट करते हैं क्योंकि एयरपोर्ट और जो पोर्ट का काम होता है काफी सेंसिटिव होता है और वहां पे पहले से ही जो सीनियर पीएस होते हैं उनको रख दिया जाता है। इस वजह से आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, सिटी में ही एक ऑफिस होता है जिसे सिटी कस्टम कहते हैं, वो सिटी के कस्टम्स को देखता है, मतलब कि बाहर से कोई कुरियर आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो आपके एरिया में किसी को डिलीवर करना है तो वो चीजें वो देखते हैं और ऑफिसर होता है उसी को आपको असिस्ट करना पड़ सकता है। अगर आपका सेक्शन में हो जाता है तो फिर सेक्शन का कुछ काम करना पड़ सकता है, ओके। तो हमेशा ये मत सोचिएगा कि अगर कस्टम भर दिया तो मैं तो सीधे एयरपोर्ट पे जा रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट
अगर मैं बात करूं तो ओके कस्टम की ये बात होगी, इस तरह से आपको भरना है। फिर से मैं बार बार कोट कर रही हूं कि अगर कस्टम का, अगर आपको लगता है कि आपको जीएसटी में काम करना है लेकिन फिर भी आपके आसपास कस्टम्स की सीट है जो सिटी में, तो आप वहां का भरिए, ठीक है। आप अपने आसपास का एरिया भरिए ताकि आप अपने घर के नजदीक रहें। आपका ये, अगर आपका प्रेफरेंस ये है कि आप अपने घर के नजदीक रहें, ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टरेट्स की। तो डायरेक्टरेट्स में आपने देखा होगा कि डीजीपीएन जिसको लिखा हुआ है उसमें कुछ अलग अलग डायरेक्टरेट्स होते हैं, अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टरेट्स होते हैं, तो वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं, वो अलग से उन्होंने अपनी सीट्स नहीं निकाली हैं। कुछ 40-30 ऐसे कुछ सीट्स हैं और उनमें आप अगर फॉर्म भर देते हैं तो आप ये सोचिए कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। उसमें आप सिटी का प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टरेट पहले भर दिया तो आपको वो डायरेक्टरेट तो देंगे, ऊपर से वो आपकी सिटी का प्रेफरेंस नहीं रहेगा, वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जहां जहां भी उनकी सीट्स खाली रहेंगी आपको वहां भर दिया, मतलब आपको वहां पे दे दिया जा सकता है। ये चीज आपके लिए अच्छी भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए आप लखनऊ से हैं, आपने डायरेक्टरेट पहला भर दिया और आपके यहाँ के डायरेक्टरेट में सीट्स थी ही नहीं, तो आपको उठा के केरला भेज दिया, तो ये आपके लिए नुकसान है। लेकिन यहीं पे आपके लिए अच्छा भी हो सकता है कि मे बी आपने लखनऊ से भरा डायरेक्टरेट और लखनऊ में ही एक सीट है जो कि आपको मिल गई, तो बहुत ही अच्छा है। तो इस वजह से उनका सीट्स का कुछ पता नहीं है कि कहाँ का है। तो मेरा ये सजेशन आपको रहेगा कि आप लोग लास्ट में भरो डायरेक्टरेट को, ताकि अगर आपका बहुत नीचे रैंक हो तो भी आपको आराम से कहीं तो मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका अच्छा रैंक हो तो आप सीजीएसटी और कस्टम्स में से चूज कर सकते हो, जो भी आपके घर के नजदीक हो। आई होप कि मैंने सारा कुछ कोट कर दिया है, सब कुछ बता दिया है कि कैसे एग्जैक्टली आपको भरना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, इस हिसाब से आपको भरना है। अब नेक्स्ट चीज वो फिर से मैं बता देती हूँ कि आप कैसे जानोगे कि सीबीआईसी में आपका कौन सा रैंक है और आपकी कैटेगरी में आपका कौन सा रैंक है। तो उसके लिए पीडीएफ मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, उसका वो मैं दे देती हूँ, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लो, देख लो आपका क्या रैंक है, आप अच्छे से उसके बाद सीट्स के हिसाब से भर सकते हो, ओके। सीट्स कम भी हो तो भी अगर आपके नजदीक कोई सिटी है तो उसको पहले भरिए, ओके। मैं खुद बोलते बोलते थक गई हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी नहीं कुछ समझ में आया, आपको फिर भी कुछ डाउट हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से कमेंट कीजिए और मेरे से पूछिए कि कोई भी अगर आपको डाउट है तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगी, और जल्द से जल्द अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर के आप उसको सबमिट कर दीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, आपको पता था कि पता होगा कि पिछले एक महीने पहले, मतलब एक महीने पहले शायद या डेढ़ महीने पहले मैंने एक क्विज कराया था, और मैंने बोला था कि ऐसे क्विज आपके होते रहेंगे और वो प्राइस बेस्ड था, यानी कि जो भी उसको मतलब टॉप 3 में टॉप 5 में आएगा उसको प्राइज मिलेगा। तो इस बार हम लोग प्राइज दे रहे हैं टॉप 5 को, और टॉप 5 को सेम प्राइज मिलेगा। प्राइज अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, एक इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी जिसमें सारा कुछ मैं बता दूंगी कि किस टाइम पे होगा, क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कैसे होंगे, कैसे आप कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे आप दे सकते हो और क्या प्राइजेस होंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। पर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि क्विज का टाइमिंग आ गया और आपके पास अच्छा मौका है ये क्विज जीतने का, तो यस। और तैयारी जारी रखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, वो लोग अच्छे से अपने सब रिलेटिव से मिल लीजिए, फ्रेंड से मिल लीजिए, क्योंकि ऑफिस के बाद बहुत कम टाइम मिलता है। सो ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्कार।